सूर्या भाई, यार सब दिमाग पता है, बहुत सारी चीजें घूम रही है अभी। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा यार कुछ भी यार। सूर्या भाई यार, सबसे पहले तो मुझे उस इंसान का समझ नहीं आ रहा, वो कौन था यार? हाँ यार उसका जाहिर नहीं हो रहा यार। सूर्या भाई क्या अरे था मेरी यार तो वो? गर्दन नीचे थी, मेरे तो पूरी आंखें ऐसे कर रखी थी, ऐसे झुक करके। तूने तो देखा ना उसको, हाँ आंखों के सामने हुआ क्या? बिल्कुल हुआ था यार, आंखों के सामने मैं तो गायब मेरी हुआ। आंखों से देख रहा था, मैं तो बिल्कुल सामने खड़ा था उसके यार। तुझे नहीं दिखा वो कहाँ गया? वो सीधा ऊपर चला गया था डायरेक्ट, ऐसा ही लगा मेरे हिसाब से। कुछ सेकंड का खेल था सूर्या भाई यार, और वो आया इधर से था यार। सूर्या भाई गए इधर से आया था वो यार। गए एकदम से, हाँ इधर आ गई आ रही। एकदम सही। हाँ क्या सेकंड हुआ होगा अभी? गए कुछ भी नहीं हुआ यार। आके बैठ गई। हाँ बहुत ज्यादा अजीब नहीं हो रहा आनंद ये? यार समझ में नहीं आ रहा यार सूर्या भाई यार। सूर्या भाई यार अब बैंकर वो देख, दरवाजा फट रहा है, अभी भी वहीं खड़ी है वो हेल्प देख। करें। पेट में कुछ ऐसे लग रहा है भाई, मर जाऊंगा। पेट अंदर से ऐसे लग, खा रहा को पेट को मेरे। सूर्या भाई यार खड़ी है वो यार पीछे। सूर्या पूरी हिम्मत ना टूट चुकी है अभी तो अंदर से आने में। यार खाया पिया पूरा ऐसा हो गया यार। और देख सूर्या भाई वहीं खड़ी है यार। सूर्या भाई वहीं खड़ी है यार, हाँ? पीछे खड़ी है अपना यार। मैं अब देखना ही नहीं, जानना ही नहीं उसकी तरफ। जाऊं खड़ी है ना आनंद, उसकी तरफ जाना ही नहीं, देखना ही नहीं उसको। मैं तो सही बोल रहा हूँ, मारना होगा तो मार देगी यार। इग्नोर करते हैं अब तो, यही सोच तू तो। आखिर में इंसान हार थक के करे क्या यार? थक चुके हैं पूरी तरह से, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो खत्म हो जाएगा तो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। और शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, कंपन हो रहा है भयंकर। हाँ यार सर्दी का लेवल बढ़ रहा है यार सूर्य। और शरीर कंपन हो रहा भाई, पूरी बॉडी कंपन हो रही है अब। मेरी बात सुनो, आग लगा लेते हैं यार। हाँ क्या आग लगा लेते हैं? आग खड़ा होने में फायदा है यार। अभी पत्ते हिल रहे थे ना, हाँ अब देख कुछ भी मूवमेंट नहीं है यार, तेरे ज्यादा हलचल है ही नहीं पत्तों आग लगाते हैं यार। क्या में। आग लगा लेते हैं? देख धुंध भी बढ़ रही है, हाँ आग लगा लेते हैं आग यार, फायदे में लगा रहेंगे लेते बंदे। हैं, अब निकालना मुश्किल है टाइम भाई। ना सुबह होने का इंतजार है, उसके बाद तो नहीं है टेंशन। आग जला लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे बाकी काम। कि हिम्मत रखनी पड़ेगी, मैं ना शरीर साथ नहीं दे रहा आनंद। मेरा ही नहीं दे रहा है तू भाई, जाने, तेरा हाथ काम ऐसे जाने। कंपन हो गया मेरे तो। कैमरा चल रहा है तो चले, नहीं हो तो बंद कर दे, मरेंगे। आधार कार्ड पड़े हैं, पहुंचा देगा कोई ना कोई तो घर पे। कहाँ से लिया हाँ इधर ही दिख रही थी ना वो। यहाँ अब चलता है, मौत के मुंह में चलता है। आने के बाद हिलना नहीं है सूर्या भाई, आग लगा लेंगे। यहाँ से ले लेते, ये कुछ यहाँ से ले लेंगे।
कुछ वहां से ले लेंगे, सूखे सूखे गले में से काटे हैं ना, कहीं से ले लो वही रुक कालम। और ये रुक चारों तरफ जान कर लेना, वो कहीं दिखते नहीं रही है ना। ये नहीं है सूर्य भाई यार। भाई हाथ पैर काम नहीं कर रहे अब तो बिल्कुल भी। और इधर से ले ले सूर्य भाई, ना ये ले ले, उसके बाद और ले लेंगे यार। अरे ये ले ले, ये तो ले लेते यार, आग लगा लेते एक बार, उसके बाद और ले लेंगे अपन। लग लेना चाहिए ना भाई, लग लेना चाहिए। अरे बाप रे, अरे राम, जय श्री राम भगवान। जिंदगी में सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा काम मत करना मेरे को। आराम से देख देख, आराम से। जिंदगी में सच बता रहा हूँ, सब कुछ कर लेना, पर ये सब कुछ मत करना भाई जो हम कर रहे हैं। ये कब जिंदगी चली जाए कुछ पता नहीं, पता नहीं है सूर्य भाई। यही तो बात है, दिल गवाह नहीं करता है तो वो काम नहीं करनी चाहिए, मगर मैंने बोला था तो माना नहीं मेरी बात। अच्छा भाई सॉरी, आनंद भाई की आपने मना भी किया था इस वक्त की भाई नहीं चलेंगे आज, लेकिन ये लोकेशन भी एक तरह से अपने लिए चैलेंज था, इसीलिए तो मैंने कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस लोकेशन पे दोबारा कदम नहीं रखूंगा, चाहे कितना ऐसे हो जाए मेरे साथ में। ठीक है ना, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, ना पैसा है ना प्यार है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ है। और आपने ये सोच लिया ना भाई जिंदगी को मजाक में ले लिया, तो फिर हमारे जैसे पछताओगे एक दिन, पछता रहे यहाँ पे आने के बाद। भाई साहब उंगली काम नहीं कर रहे, आगे ना तो अगर आनंद ना यहाँ से जीत जाते हैं या यहाँ से जिंदा निकल जाते हैं तो जिंदगी में मतलब कोई सी कितनी बड़ी परेशानी हो फिर हैंडल कर सकते हैं, अगर नहीं निकल पाया तो जिंदगी वैसे ही यहाँ खत्म है। कोई पता नहीं है सूर्य भाई यार, ये लाइट भी है ना, मेरे को लग रहा है धोखा देने वाली है लाइट भी। लाइट जब तक चला, आग के सहारे रहेंगे फिर। लाइट का भी मेरे को लग रहा है तो। आग के सहारे रहेंगे, ये डिम 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 करने लग गई अब। लाइट भी खत्म होने वाली है, तो होने वाली है तो संभाल के रखा आनंद। चले तो जब तक ये जब तक जल रही है, जब तक ये समझ ले डर कम है अपना। मेरी बात सुन, इतने को जला ले उसके बाद और देखेंगे, ये जला बाकी रहने। ये भी तो जलना चाहिए ना भाई, अरे जलाने के लिए थोड़ा थोड़ा जला लेंगे अपने, क्या है कुछ है क्या जलाने के लिए अपने पास वगैरह कुछ इस तरह ढूंढ लूंगा।
पन्नी वन्नी नहीं है यार, इसे कहाँ पकड़ेगा भी नहीं यार। पन्नी याद नहीं यार, हो सकती है चलाते हैं। अरे राम भाई साहब, सूर्य भाई यार, थोड़ी देर और सहन कर, ये रात निकल जाएगा बस 2-5 घंटे जो, हाँ उसके बाद नहीं है सूर्या भाई टेंशन। मेरे भोले महादेव सुनकर सुबह होने के बाद कोई रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, अपन निकल जाएंगे खुद ही। यार कचरा भी नहीं है सूर्या भाई यार, नहीं यहाँ से सही सलामत निकल गया ना मैं घर। वो क्या हुआ रे? पन्नी देख रहा हूँ यार, ये पन्नी पड़ी है, इससे लग सकता है यार, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा यार, ये ले पन्नी लगा यार, देखना पड़ेगा इस तरफ कोई हो तो। चल जाएगा चल जाएगा, भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे महादेव, महादेव यहाँ से बचा के निकाल दे। आनंद, हाँ यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए, तो मैं ये मेरा वादा है उज्जैन जरूर जाकर के आऊंगा, ये मेरा वादा है। देखो ये मेरे भोलेनाथ, मेरे सपने को पूरा करना, मैं आधी रात को यहाँ अपनी जिंदगी नहीं मांग रहा हूँ भोलेनाथ, बस आपके बेटे को जो चाहिए जो सपना है वो पूरा करवा देना बस। मुझको सूर्या भाई सपना अपना पूरा होगा यार बस। आनंद यही आजा पास ही, यही आजा आपके पास आजा, यहाँ तू तो यहाँ आजा, सर्दी में तुम्हारे आजा यहाँ आजा, इसको पकड़ना पड़ेगा, तू पकड़ थोड़ी देर यार, मेरे को तेजा हाँ यहाँ रख रहा है। भाई क्या हालत होगी हमारी, अच्छा सा अच्छा फील हुआ यार तेरी कसम। हाँ थोड़ा सा ना डर तो है, लेकिन यार ये आग की वजह से ना बहुत सुकून मिल रहा है मेरे भोलेनाथ जी। मेरे भोलेनाथ बचाना, हर परेशानी से बचाना। आ गया तो इसका सहारा है और कुछ नहीं भाई। ठंड बहुत भयंकर लग रही है, एक बैठ जाता डॉक्टर, बहुत भयंकर है भाई, कुछ भी तो ठंड एक नंबर लग रही है। ये दिन अच्छा है कि आप दोनों नहीं किए, तुम तो मेरे को लग रहा है पढ़ने वाली है भयंकर वाली पत्नी कर लिया, पीछे बैठ जाता थोड़ा सा आग आएगी, भयंकर आएगी आप। श्री राम जय श्री महाकाल।
भाई आग से कितना सुकून मिला है ना, ऐसा लग रहा खाना खा रहे अंदर ना, कुछ गया है अंदर पेट में, ऐसा लग रहा है। तो हाथ को पूरी बॉडी को आराम मिला भाई, आग नहीं होती ना तो अभी तो खत्म थे मामला भी सकता। भाई खाली आते है मेरे माँ, खाली खाली आते हैं आपके सामने, हमारे पास कुछ नहीं है। और खून दिख रहा है देख हाथ में आनंद मेरे, देख कितना खून है। मन कर रहा हाथ अंदर ही डाल दूं, बली भयंकर हालत खराब हो रही है भाई यार। तो खाने पीने का कुछ मिलता है, मैं देखता हूँ, मेरे को तो नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा यार आनंद, खाने पीने का तो पता नहीं, लेकिन देख के आता हूँ थोड़ा सा। तू बैठ जब तक आग के पास है ना, आनंद ठीक है ना? हाँ बोलता रहे ना भाई, है ना, अकेला हो जाए इधर लगता है, लेकिन तुझे क्या चलना पड़ेगा, ढूंढता हूँ कुछ कुछ भी मिल जाए छोटा बड़ा पानी का। अजीब अजीब चीजें पड़ी है यार भाई, और ये क्या था? काटा लाने के उसमें बोतल मिली तो खाली बढ़िया। आनंद बोतल लाऊंगे खाली आग जलाने के लिए, रहने दू क्या? काटे काटे रहने दू, तो बता देना लियूंगा मैं। अब तू बैठ थोड़ी देर रेस्ट कर, तू यहाँ रेस्ट करना जरूरी है। आनंद और हम दोनों है अपे, जगह खतरनाक लग रही है, आपस ठंड लग रही है भयंकर। ये मिलते हैं आग दिखती है ना, इसमें सुकून है। मैं रहा हूँ मिल जाना यार, अपने आस पास तो नहीं है, पता नहीं भाई मेरे को कैसे दिखे, अब क्या करूँ मैं तो। बोल दिया ना भाई, अब सामने दिखेगी तो वहीं जाएंगे सीधा, उसी के पास ही मारेगी तो मार देगी। मैंने महाकाल पे छोड़ दिया सब कुछ, अब जिंदा बचेंगे या मरेंगे सब कुछ उन पे छोड़ दिया मैंने, तो वो चाहेंगे तो बच जाएंगे, वो चाहेंगे। एक बात तो आनंद, एक बात बताऊं क्या, मतलब जो हम शिव जी भगवान जैसे है ना, उनको मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये है ना, जैसे ब्रह्मा जी है विष्णु जी है, इनका लिखा हुआ होता है कुंडली हमारी इनकी, ब्रह्मा जी और ये तो ये क्या ना लेख जो है ना वो ये लिखते हैं, इनको विधाता बोलते ना। और जो शिव भगवान है ना, भोले शंकर महादेव हमारे, तो बोलते ना भोले हैं और उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। तो ऐसा है कि जो जैसे ब्रह्मा जी ने लिख दिया कुछ, तो बदल नहीं सकता, हो नहीं टाल नहीं सकता, ऐसा लिखे लेकिन जो लिखी हुई होगी वो तो हाँ। तो ऐसा है कि अगर किसी के दुख दुख लिखे हुए ना,
किसी किताब में, जैसे ब्रह्मा जी ने किसी इंसान की किताब जैसे होती है ना, एक इंसान की जिंदगी किताब ही है, पन्ने पलटते रहते, जैसे वक्त है, सुख और दुख और ये परेशानी, सारी चीजें ना ये पन्ने है, ये पलटते रहते, ये चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है ना, जैसे भोले शंकर महादेव के मंदिर पे जब आप जाते हो ना जल चढ़ाने या रोने के लिए उनके पास, तो जब आप उन पे जल चढ़ाते हो, शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हो और अपनी परेशानी को रोते हुए, या जब पूरे मन से जाते हो, तन से नहीं मन से जब जाते हो ना, तो आपके जो लिखे हुए होते हैं ना लेख, जैसे ब्रह्मा जी ने कुछ लिख भी दिया, वो दुखी दुख लिख दिए और महादेव जी के पास आप पहुंच गए, तो महादेव जी है ना वो लिखे हुए दुख भी मिटा देते सारे। हाँ, और ऐसा है कि मतलब वो एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिकायत करने चले गए महादेव जी को, कि मतलब हम लिखते हैं किसी की जिंदगी में हमने दुख लिख दिया ना, और वो आपके दर पे चला गया, तो आप उसके दुखों को ही हर लेते हो, हम क्या करेंगे फिर। तो महादेव जी ने कहा कि हम तो भोले हैं, हमारे जो भक्त है वो हमें प्रिय है, हमें मतलब हम खुद से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो जो हमारे दर पे आएगा ना, चाहे उसकी झोली में उसकी किताब में कितने दुख लिखे हो, सारे पन्ने में गायब कर दूंगा, सब कुछ लिखा हुआ बदल दूंगा। तो ऐसे है भोलेनाथ जी, तो उनके हवाले छोड़ दिया, उन पर सौंप दिया सब कुछ, भाई कुछ है कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ भोलेनाथ जी पे छोड़ दिया, अब यहाँ से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और हाँ, अंदर से ना पॉजिटिव वाइब आ रही है ना आनंद, और डर जैसा वो फील नहीं हो रहा अंदर से, पर अरे महादेव जी सुन लेना, आपका बेटा, आपके दोनों बेटे बैठे हैं यहाँ पे, मत देना तकलीफ भाई कुछ है।